नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम युवतरंग में आज फिर आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए हम कुछ एक यूनिक पेशकश लेके आए हैं। पेशकश क्या होगी, उससे पहले आइए उस बारे में जानते हैं जो ये पेशकश लेके हमारे सामने आने वाले हैं, और वो है राहुल सिंह। राहुल सिंह एक मैथमेटिशियन है। राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद युवतरंग के आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। भाई देखिए, हमेशा से दूरदर्शन कुछ इनोवेटिव आपके सामने लेके आया है, कुछ क्रिएटिव आपके सामने लेके आया है। इसका तो हम बेंचमार्क सेटर अपने आप को बोल सकते हैं, प्राउडली। इनफैक्ट ये सब पूरी दुनिया जानती है इस बारे में। आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हम इसको जानते हैं, और वो है मैथ्स। लेकिन मैथ्स से भी क्या कुछ और परे है, तो आज का जो हमारा विषय है वो है मैथ्स एंड बियॉन्ड। तो राहुल, अब मैं आपके पास सीरीज से आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है दर्शक जरूर जानना चाहते होंगे मैथ्स एंड बियॉन्ड क्या होगा। तो राहुल, आपसे जानते हैं मैथ्स एंड बियॉन्ड आज क्या हमारे दर्शक देखने वाले हैं। मैथ्स एंड बियॉन्ड की अगर मैं बात करूं, आज मैं मैथ्स में थोड़ा सा टच ऑफ मैजिक डालना चाहता हूं। अब कई लोग मुझसे ये सवाल भी पूछ जाते हैं कि क्यों ये टच ऑफ मैजिक इनटू मैथमेटिक्स। जी, क्योंकि जब हम स्कूलों में जाते हैं तो मैथ्स लैब है, राइट। जैसे कि हमारे पास फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, डांस लैब है, सिंगिंग एंड गिटार का भी एक लैब है, right. तो वहां जब बच्चे जाते हैं तो कुछ ऐसा सीखते हैं कि उन्हें मजा आ जाता है। वो घर जाते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं कि यू नो, आज मैंने गिटार में सी नोट सीखा, डी नोट सीखा, एंड ऑल दी अदर थिंग्स दे शेयर विद पेरेंट्स, राइट। लेकिन जब वो मैथ्स लैब में जाते हैं तो घबराते क्या हैं? वो हाँ बिल्कुल सही, वो पहली चीज तो घबराते हैं जाने से कि अरे मैथ लैब फिर से नंबर, राइट। फिर वो क्या घर जाके अपने पेरेंट्स को ये बताते हैं कि देखो आज मैंने ये सीखा, तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, राइट। दैट्स व्हाट आई हैव क्रिएटेड, दैट इज व्हाट आई से दैट आई हैव मिक्स्ड मैथ एंड मैजिक टुगेदर, विच इज मैथ्स एंड इट्स बाउंड्रीज एंड इट्स यू नो व्हाट यू सेड कि बियॉन्ड हमें अब देखना है, तो कुछ दिखाया जाए। बिल्कुल, सीरीज सीरीज चलते हैं और कुछ दिखाया जाए कि मैथ्स एंड बियॉन्ड मैथ्स क्या है और क्या करने वाले हैं आप। बहुत ही फोर्थ या फिफ्थ ग्रेड की एक छोटी सी मैथमेटिक्स है, बट इट विल बी मैजिक। आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ द शो कई लोग कह देंगे कि ये मैथ्स नहीं है, इसके पीछे पक्का कोई काला जादू है। लेकिन मतलब मुझे लगता है मुझे आपके संग बहुत मजा आने वाला है, right. मैंने क्या किया है, आगे कुछ क्यू कार्ड्स रखे हुए हैं। अगर आप पहला क्यू कार्ड देखें तो उसमें लिखा है लेट्स स्टार्ट, right. और जो भी आज हम करेंगे, जो भी करेंगे वो हमें ये क्यू कार्ड्स बताएंगे। तो मैं नहीं बताऊंगा, जो करेंगे आप करेंगे और ये क्यू कार्ड्स करेंगे। मैं एक फैसिलिटेटर की तरह खड़ा रहूंगा। मतलब आज मैजिक मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, जैसे मुझे भी पता चला कि मैं ही कुछ करने वाला हूँ। तो आज आप मेरे हाथों से मैजिक होते देखेंगे, मैं भी पहली बार ही करूंगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से मैजिक और मैथ्स का एक कॉम्बिनेशन हमारे सामने आता है। जी राहुल, बताएं। चलो, तो सबसे पहले तो हमेशा की तरह मैजिशियंस आजकल कार्ड्स जरूर लेके चलते हैं, तो हम भी कुछ कार्ड्स लेके चलते हैं, ठीक है। मैं इसके तीन पाइल्स बना रहा हूं, और याद रखिएगा सारे डिसीजंस आपको लेने, मुझे नहीं लेने। जी, ऑल द डिसीजंस विल बी मेड बाय यू, मतलब मैं नहीं लूंगा इनमें से कोई। जी, अब देखते हैं उसमें लिखा है क्यू कार्ड में लेट्स प्ले। अब देखिए, लेट्स प्ले तो हमने स्टार्ट कर दिया है, देखिए आगे क्या लिखा है। जैसे ही मैं इसे हटाता हूं, आगे लिखा है शफल एंड क्योस। आप भी देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, इट्स रिटन शफल, उसी को वहीं पे रहने दीजिए। क्यू कार्ड नहीं हटाएंगे आज हम, क्योंकि हर क्यू कार्ड के पीछे कुछ है। जी, उसमें लिखा है शफल एंड केओस। केओस मतलब कुछ ऐसा, कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड चीज कर देना, right. जिसके बाद हमें सच में, जैसे हमारी जिंदगियों में केओस होता है, हम कार्ड्स के संग करने वाले हैं केओस। अपलव जी, अगर ये वन है, टू है, थ्री है, किसी भी दो पे अपनी उंगली रखिए, किसी भी दो पे। ओके, तो किसी भी इन दो पे करना है, बस उंगली रखनी है। ओके, चूज करें दो, इन दोनों को आपने चुना। जी, तो अब मुझे ये बताइए इन दोनों में से मैं किसको फ्लिप करूं, इसको फ्लिप करूं या सारे डिसीजंस आप लेंगे। मैं बोलूंगा कम ये है तो इसी को फ्लिप कर दीजिए। इसको मैं फ्लिप कर देता हूं, मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं, इसको भी मैं ऐसे घुमा देता हूं। अपलव, मैं चाहता हूं इसको ऐसे कोने से लेके ऐसे अंदर 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 कर दीजिए। आज मैजिक मैं कर रहा हूं, तो बस बस ऐसे। हां बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूब, शाबाश, वेल डन। तो आपने कर दिया। एक एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से मिला देते हैं, थोड़ा सा जी, ऐसे ऐसे करके मिला देते हैं थोड़ा सा, और इसको इसे हम थोड़ा सा इधर रख के इसको और मिला देते हैं। चलिए, ये हमने मिला दिया। अब
अगला डिसीजन भी आप ही लेंगे। इन दोनों में से मैं किसको फ्लिप करूं, इसको फ्लिप करूं या इसको फ्लिप करूं? आई थिंक ये अभी तक फ्लिप नहीं हुआ है, इसको फ्लिप कर दीजिए। इसको फ्लिप कर देता हूं, मैं फिर से इसको ऐसे करता हूं, अपना स्क्वीजिंग। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब अपलव आप देखिए, पहले वो पानी लेते थे ना चुल्लू में, वो याद आ रहा है। अभी कुछ कुछ ऐसे ही आपको और भी चीजें याद आने वाली। इससे रिलेटेड जो मुहावरा था वो भी याद आया, हाँ। पानी में डूब मरने वाला, लेकिन वो बोल नहीं सकते। चल एनीवे चलते हैं। ओके ठीक है, आपकी और इमेजिनेशन वाओ। अच्छा अब दोनों हाथ से आपको हाफ वे में कुछ कार्ड जैसे उठाने हैं, दोनों okay. हाथ से अपने उठाइएगा, दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के उठा लीजिए हाफ कार्ड्स। हाँ ठीक है, उठा के हाँ यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, रख दीजिए, बस 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 बस। अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये शफल हो चुके हैं और यहाँ पे भी ये शफल हो चुके हैं, आपने किया है जी। दिस इज व्हाट इज नोन एज केओस, कि मैंने आगे क्या लिखा था, शफल एंड केओस। तो हमने शफलिंग भी की, साथ में हमने एक केओस क्रिएट कर दिया। अच्छा मतलब मैं चाहता हूँ दोनों हाथ से कुछ नंबर ऑफ कार्ड्स उठाइए, कहीं से भी, कहीं से भी, कहीं से भी, कोई भी उठा सकता हूँ मैं, कुछ भी, कुछ भी। हाँ इसमें से उठाना है, उसमें से उठाना है, इसमें से उठा लीजिए। अच्छा किसने, किसमें से आप इसमें से उठाना चाहते हैं? हाँ, किसमें से, कोई कोई, ठीक है एक ऐसे करके बंच उठा लीजिए। अच्छा बंच उठाना है, हाँ बंच उठा लीजिए। ठीक है उठा लिया, लाइए इस बंच को लेते हैं और इसको फ्लिप करते हैं और इसके ऊपर डाल देते हैं और फिर से इसे यहीं पे शफल कर देते हैं। अपलव एक बार और फिर से कोई एक बंच उठाइए। ओके तो मैं एक कोई बंच, ठीक है ये लिया और इसको मैंने ये लेके फिर से पलट के रख दिया और इसको फिर से हमने क्या किया, शफल कर दिया जी। अब आप मानते हैं कि ये ट्रूली शफल्ड है आपके थ्रू, बिल्कुल। यू डिसाइडेड विच वन टू फ्लिप, विच वन नॉट टू फ्लिप। क्या आप अभी भी कुछ उठाना चाहते हैं या आप खुश हैं अभी? काफी ऑलरेडी मुझे लग रहा है मेस्डअप हो गया, तो ठीक है मेस्डअप हो गया है। अच्छा एक काम, एक बार और चीज करते हैं, ठीक है मैं इसको पूरा फ्लिप करूं या इसको पूरा फ्लिप करूं? एक बार और करेंगे, हाँ किसको करूं? ये मेरे पास में, इसको कर दीजिए। तो मैं पूरे कार्ड जैसे उठाता हूं, पूरे कार्ड, और देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं पूरे कार्ड उठाता हूँ ये, और ये मैंने फ्लिप कर दिया। मैं फिर से वही ऐसे ऐसे घुमाता हूँ, इसको भी घुमाता हूँ, अपलव दोनों को स्क्वीजिंग। अपलव अब आप मानते हैं कि ये फुली शफल्ड है, अगर सब लोग देखना चाहें, फुली शफल्ड जी हाँ, इट हैज बीन शफल्ड बाय यू, अ केओस हैज बीन क्रिएटेड बाय यू, जो हमारा पहला क्यू कार्ड था जी। अब इसको मैं उठा लेता हूँ और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं इसको सिंपली पूरा एक थोड़ा सा नीट टाइडी सा कर देते हैं, क्योंकि शायद ऐसे बहुत अच्छा ना लगे, और ये करते हुए क्योंकि इतना ज्यादा केओस कर दिया अपलव आपने कि अब मुझे भी इसे वापस लाने में समय लग रहा है। ये आ गया पूरा। नाउ यू अग्री, अपनी मर्जी से आपने इसे फ्लिप किया, कुछ नंबर उठाए, फ्लिप भी किया, शफल भी किया जी, केओस भी क्रिएट किया, बिल्कुल। देखिए हमारा क्यू कार्ड अब क्या कहता है, अगला मैं निकाल देता हूं। तो ये शफल एंड केओस डन, ये डन, शफल केओस डन। हमारा अगला कार्ड क्या कहता है मैं देख लेता हूं, ये कह रहा है 26 फेस डाउन, मतलब फेस डाउन होंगे 26 कार्ड्स। आप बहुत समझदार हैं, मेरा काम भी अब आप करने लग गए, लेकिन एकदम मैजिक मुझे करना है। एग्जैक्टली exactly. तो कहने का मतलब है 26 फेस डाउन, आपने शफल किया, आपने सब कुछ किया, राइट। अगर इसमें 26 फेस डाउन कार्ड हो अभी तो मजा आ जाएगा, क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम फेस डाउन फेस अप कुछ ज्यादा ही थे, तो 26 तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से, ज्यादा ही होंगे, ज्यादा ही होंगे। चलिए मैं देखिए निकाल रहा हूं, मैं फेस डाउन काउंट कर रहा हूं, 1 2, ये फेस डाउन नहीं है, 3 4 5 फेस डाउन नहीं है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Oh my God. आपने किया, मैंने, ये मैंने मैजिक किया है, ये मेरे हाथों का जादू है, मेरे हाँ। हाथों की सफाई है, तो 26 फेस डाउन, ये अमेजिंग है, मतलब मुझे उम्मीद थी कि शायद ज्यादा होंगे, बट वाओ क्या बात है। लेकिन लेकिन इसको अब हटा देते हैं, आप अभी क्यू कार्ड बचे हैं, अगला अगला क्यू कार्ड देखते क्या कहता है। तो ये था 26 फेस डाउन जो हमने कर लिया,
राइट, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। 26 फेस डाउन। अब देखिए अगला क्या कहता है, अगला ये कहता है 10 क्लब्स। क्लब्स जानते हैं जिसमें वो फूल जैसा बना जी, होता है जी। कहने का मतलब इसमें 10 क्लब्स आपने जब आपने फ्लिप किया, इतने प्रिसिशन के साथ किया है मतलब आपने, इतना ध्यान लगाया था उस पे कि इसमें 10 क्लब्स होने चाहिए। इम्पॉसिबल साउंड होता है क्योंकि इतना ज्यादा शफल किया है, तो जरूरी नहीं कि 10 ही हो, 15 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, बट चेक कर लेते हैं हम सब, चेक कर लेते हैं। 10 क्लब्स मैं देखिए पलट रहा हूँ जी, आपसे ज्यादा मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। कैसे कर रहे हैं आप, देखते हैं। क्लब जैसे कहते हैं फूल वाला, तो 1, 2 ये इसे क्लब नहीं कहते, इसे स्पेड्स हुकुम कहते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या बात है, क्या बात, 10 क्लब्स क्या बात है। मतलब सरप्राइज, मैं अपने आप को बोलूं क्योंकि मेरे इमोशंस चेंज हो रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हो क्या रहा आप मेरी नगाहों के सामने। ये ब्लैक पे हो रहा है, ब्लैक मैजिक, यू नेवर नो। बट देन 10 क्लब्स, बट देन आगे कुछ और भी है, मतलब आगे कुछ और भी है। ये कहता था 10 क्लब्स और हमारे पास कितने क्लब्स निकले थे, 10 क्लब्स। अब वो कुछ और कह रहा है, अब मेरा क्यू कार्ड कहता है 10 रेड कार्ड्स। यहाँ पे 10 रेड कार्ड्स बचे, तो 10 क्लब्स तो हो गया, ठीक है। तो याद हमें क्या रखना है, आपने पहला क्या किया, आपने 26 कार्ड्स, राइट। अब ये क्या कह रहा था, 10 क्लब्स, और साथ में अभी इसने 10 हार्ट्स भी कहा, आगे लिखा है 10 हार्ट्स। लेट्स काउंट, अपना वुड यू काउंट, देखे कितने हार्ट्स हैं इसमें, नहीं 10 रेड्स, देखे क्या क्या कह रहा है, 10 रेड कार्ड्स, रेड कार्ड्स। सो 1, 2, 3, 4, 5 ब्लैक, 6 दिस इज अगेन ब्लैक, 7, 8 ब्लैक है, 9 और ये 10। क्या मतलब बात है, 9, 10 ही है, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 10 है, और ये मेरा मैजिक है, ये आपका मैजिक है। और मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि आपको कैसे पता था कि आप सर, मैं सरप्राइज हूँ, मैंने बचपन में सिर्फ वो जादू देखा है जो सर्कस में होता था, उसके अलावा मैंने कभी जादू ना देखा है ना किया है, आज मैं जादू कर रहा हूँ। और इसमें आपने अब ये 10 कार्ड्स आपने करें, मतलब मैंने नहीं, किसी ने नहीं, ये आपके। अच्छा आगे पता नहीं कैसे हैं, बट हैं ये तो मुझे नहीं पता कैसे हैं, बट हैं। लेकिन मेरे क्यू कार्ड्स अभी और बचे हैं, यानी अभी ये एक खत्म नहीं हुआ, अभी मेरे क्यू कार्ड्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये था 10 रेड कार्ड्स, और जो कि हमारे पास 10 रेड्स थे, ये हो गया हमारा, इसको हम हटा देते हैं जी। अब देखिए अगला कार्ड क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ऑल रेड्स आर हार्ट्स, जितने भी रेड्स हैं आपने शफल किया, आपने केओस क्रिएट किया और इतने प्रिसिशन के संग किया कि ये सारे हार्ट्स होंगे। दिस इज व्हाट इट सेज, चेक करिए क्या सारे हार्ट्स हैं, ये यही बोल रहा है क्या देख लेते हैं हार्ट्स का, चेक कर लेते हैं हार्ट्स हैं या नहीं है। तो दिस इज हार्ट, ओके दिस इज हार्ट, हार्ट अगेन, वाओ हार्ट, सुपर्ब हार्ट, क्या बात है, कहां से सीखा, मुझसे तो नहीं सीखा, शायद हमारे प्रोड्यूसर से सीखा, हार्ट, ओ शिट। लेकिन ये लास्ट वन इज 2 ऑफ डायमंड्स, एक नहीं मैच किया, लेकिन आई यू नॉट इम्प्रेस्ड कि सारे हार्ट, सिर्फ एक मेरा गलत हो गया, मतलब वन रॉन्ग आई थिंक आउट ऑफ ऑल। मैथ में भी कई बार 99% इज कंसिडर्ड गुड, यस और नो, ब्रिलियंट, मतलब ये इतना ही हो जाना अपने आप में, इमेजिनेशन से बियॉन्ड, मैथ्स एंड बियॉन्ड, हम वही बात कर रहे हैं, मैथ्स एंड अभी इमेजिनेशन बियॉन्ड हो रहा है, लेकिन बट वंडरफुल, एक सिर्फ एक 2 ऑफ डायमंड्स, यानी एक एक्सेप्ट, यहां मैं लिख लूं अगर ये 2 और इसे मैं डायमंड्स बना दूं, सिर्फ ये 2 ऑफ डायमंड्स को छोड़ के राइट सारे सही निकले, ऑल हार्ट्स एक्सेप्ट 2 ऑफ डायमंड्स। मेरा कुछ क्यू कार्ड और बचा है, मैं उसे देखना चाहता हूं जी। इसमें लिखा है ऑल हार्ट्स, ऑल रेड्स आर हार्ट्स, सिर्फ 2 ऑफ डायमंड एक्सेप्ट। मेरा अगला कार्ड क्या कहता है, अपलव जी आप पढ़ के बताइए, एक्सेप्ट उसे वही रहने दीजिए, एक्सेप्ट 2 ऑफ डायमंड, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, एक्सेप्ट 2 ऑफ डायमंड्स, क्या बात है। So, ये prediction भी सही निकली। ये predict कैसे करते हैं राहुल आप? Oh man, मेरी एक workshop चलती है। मैं करीब करीब 50,000 रुपए पर
घंटे के हिसाब से नहीं, नहीं मैं आपके लिए थोड़ा सा वो कर दूंगा। लेकिन मेरे क्यू कार्ड अभी भी बचे, ग्रैंड फिनाले पे मतलब क्या बात, यानी ये सब होने के बाद भी, ये सारी चीजें होने के बाद भी कुछ ग्रैंड फिनाले बच गया है, इसको हटाते हैं, लिखते हैं। ये कह रहा है What's today's date? आज तारीख क्या है? घड़ी में चेक करना पड़ेगा। मोबाइल है तो चेक कर लीजिए। मोबाइल है। देखिए क्या तारीख है? 26th of October. 26th October 2020. अपलम आप जरा इसको कायदे से देखिए। ये कुछ ऐसा लिखा है। 26th, 10 मतलब मेरे ख्याल से क्या होता है? October. और अगर हम इसको two of diamonds को अच्छे से देखें तो शायद 20 जैसा दिख रहा है। 26th October 2020 जो अभी हमारे सामने ही आई है और वो कार्ड से ही इन्होंने किया है और किया मैंने है, ये सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए। 26/10/20 वंडरफुल, बहुत बढ़िया। सो दिस इज लाइक वर्नो, मतलब मैं ऐसी चीज़ों के लिए पैशनेट हूँ जिसके पीछे मैथ्स है। साथ में आप इसे अगर इंडियाज़ गॉट टैलेंट, अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट या ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट जाके कर दीजिए, लोग आपको स्टैंडिंग ओवेशन देंगे विद तो यू नो दिस इज व्हाट माय किड कैन डू। जस्ट इमेजिन मेरा बच्चा, मैं मैथ्स का एक मेंटर हूँ, सोचिए मैं अपने बच्चे को कुछ ऐसा सिखाता हूँ, वो घर जाता है पेरेंट्स को करके दिखाता है, एट द सेम टाइम ही ऑल्सो टेल्स द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट, वो जरूरी है राइट कि वो बताता है कि इसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या थी, फॉर्मूला क्या था और मैंने कैसे ये अचीव किया। जस्ट इमेजिन बच्चे का मोराल कैसे हाई होता है मैथ्स को लेके। दिस इज व्हाट आई वांट टू क्रिएट, दिस इज व्हाट इट इज। सो ये तो था एक इतना बढ़िया ट्रैक मैथ्स एंड बियॉन्ड का, जिसमें कि हमने नंबर से साथ भी प्ले किया और इनफैक्ट मैंने प्ले किया और मैं खुद सरप्राइज हूँ कि मैं इतना अच्छा मैजिक कैसे कर लेता हूँ, बट अब घर जाकर के आज तो रात को नींद आने वाली नहीं है, यही सोचता रहूंगा मैं कैसे करूँ। लेकिन राहुल कुछ और भी आप दिखाना चाहते हो कि मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ खुद मैजिक करने के लिए और सबको दिखाने के लिए कि भैया हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारे साथ? एक और है और फिर से आप ही करेंगे। ओके, मतलब मजा तब आएगा, आप करें। सुपर आईडी, सुपर आईडी। तो मतलब ये मेरे पास 10-12 डाइस है जी, मैंने काउंट नहीं किया, 10 होगी 12। इनमें से जो भी नंबर ऑफ डाइस जितनी भी चाहिए वो आप अपने पास रख लो। ओके, सो आई विल टेक ओके 4 डाइस, बाकी आप जरूरत नहीं, एक और लेना है 2 और नहीं, दैट्स इट। यू हैप्पी? यस आई एम हैप्पी। डिड आई फोर्स यू? नो। ओके, सो आई वी डोंट नीड दिस नाउ। मेरे पास कुछ और चीजें हैं यहाँ पे, इसे मैं दिखाने से पहले मैं एक छोटा सा गेम, ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं, मतलब किड्स लव इट। नहीं, हम यंगस्टर से बहुत पसंद करते हैं, एग्जाम में हमारे बहुत काम आती है कभी कभार ये जोक था, प्लीज इसको करें ना। तो पर्चियां हैं, मैं करने क्या वाला हूँ, इन पर्चियों में नंबर लिखा है, मैं नंबर भी बाद में आपको दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ इनमें से आप दो, जब मैं ऐसे उछालू जी, छपट्टा मारिए शेर की तरह जी, चीते की तरह वापस आइए जी, और चील की तरह 2 या 3-4 पर्चियां आपके हाथ में होनी चाहिए। ओके, चलेगा? ठीक है, मैं ऊपर कर रहा हूँ, दोनों हाथ से कर लीजिए, दोनों हाथ से कर लीजिए, 3-4-5 जितनी भी आ जाए ठीक है। ये बाकी हमें नहीं चाहिए, ठीक है उसको रख दीजिए, ये हमें नहीं चाहिए। अगर हमें चाहिए भी होता तो एक मैं लिख के दिखा दूं कि इसमें क्या लिखा है। कुछ नंबर है 592, क्या आप भी पढ़ सकते हैं नंबर 592। अब इसको यहाँ पे रख दीजिए, सबको रख दीजिए। इनमें से कोई एक पर्ची अब आपको चुननी है, कौन सी चुनेंगे? कोई एक, ये वाली सबसे नीचे से छुपी छुपी सी है, छुपी छुपी सी है, वो आप दे दीजिए मुझे। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसे करके दिखा देता हूँ, खट खट खट, हम सब व्यूअर्स को क्लोज दिखा देते हैं ठीक है। अब ये मैं आपसे ले लेता हूँ और इसको मैं इसके अंदर प्लेस कर देता हूँ जी। ये आपने लिया है तो इसलिए मैं इसको अलग से रख रहा हूँ जी, बस और कोई वजह नहीं। क्या आप 2-3 पर्चियां दिखा सकते हैं, सब में क्या क्या नंबर लिखे हैं? तो इसमें लिखा हुआ है 0
52 हटा दीजिए, फेंक दीजिए, इसमें लिखा हुआ है 56 इसमें देख लीजिए, और इसमें लिखा हुआ है 622। कहने का मतलब क्या है, सब में रैंडमली अलग अलग नंबर्स, रैंडमली अलग अलग नंबर्स लिखे हैं, 421 धीरे से आपको ये दिखाता हूँ कि हर नंबर पे कुछ नंबर लिखें, 4 digit, 3 digit, 5 जैसे इसमें क्या कौन सा नंबर लिखा है, 9889 पढ़ते जाइए, 2387 अगला पढ़िए, 6897 अगला पढ़िए, 1897 अगला पढ़िए, 1800 अगला पढ़िए, 996 सो ऑन, राइट राइट। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे डाइस को रोल करिए, जो भी नंबर आएगा उस नंबर पे हम देखेंगे कौन सी ठीक है, कौन सा नंबर लिखा है, प्लीज रोल। नंबर वन, सिक्स, फाइव, लेट्स टोटल इट, 6 + 5 = 11, 6 = 17, and 1 = 18 आपने कौन सा चुना, 18 पे है, 6 4 बोल देंगे, ऐसे दिखा देता हूँ, 6 4 4 2 नंबर जो 18 की आया है, 6 4 4 2 है, 6 4 2 2 6422 नंबर है, तो मैं इसको यहाँ पे ले देता हूँ, तो 6422 मैं इनको हटा दूँ, राहुल हटा दीजिए, देखिए 5 आया था, ये 6 आया था, ये भी 6 आया था, ये देखिए, एंड ये 1 आया था, तो टोटल था ये 18, तो ये मैंने हटा दिया, 18 नंबर पे एक हमें मिल गया नंबर, यही रख दूँ, हाँ रख दीजिए जी, इसको भी रख देते हैं, मैं अपना कैलकुलेटर खोल रहा हूँ जी, मैं अपना मोबाइल रख लीजिए जी, जब जरूरत पड़ेगी मैं ले लूंगा, क्योंकि आपको मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, ओके, एनी 3 digit नंबर्स प्रेस इन कर दीजिए, कोई भी तीन हाँ कर दीजिए, कोई भी कर दीजिए, बस सोचिए मत, कर दीजिए, मल्टीप्लाई का बटन दबाइए जल्दी से, मल्टीप्लाई दबाया, एनी 3 digit अगेन बट नो 5 नहीं होना चाहिए, बस कोई भी, डन, डिवाइड का बटन दबाइए, दबा दिया, अ 2 digit नंबर विद नो 7 ओके, इक्वल्स टू दबाइए, दबा दिया, एक नंबर जनरेट हुआ है जी, हुआ है, मैं सबको दिखाना चाहूंगा ये नंबर, हमें डेसिमल पार्ट से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ होल नंबर से मतलब है, होल नंबर क्या है, 1634 जी, 1634 तो जी। इसको भी हटा देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज 1634, ये दो रैंडमली जनरेटेड नंबर्स हैं जो आपने चुने हैं, मतलब मैंने नहीं चुने हैं, आगे अब हम इसके आगे कुछ छोटे मोटे खेल खेलने वाले हैं, अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए, निकाल लिया ठीक है, कैलकुलेटर सामने ऐसे यहीं पे रख दीजिए, अपने साइड ही करके रख लीजिए, कोई की एक गलती और सारी चीजें गड़बड़, यहाँ पे 6422 में कोई भी एक नंबर चुनिए, अपनी मर्जी से पहले चुन लीजिए, चुन लिया, कौन सा, 4 यहाँ चुना, यहाँ पे एक नंबर चुनी, 6 तो आपने एक 2 digit नंबर क्रिएट किया विच इज 46, यू कुड हैव क्रिएटेड 43 ऑल्सो बट यू क्रिएटेड 46, 46 टाइप इन करिए, 46 प्लस का बटन दबाइए, प्लस एक और 2 digit नंबर बताइए, यहां से कोई भी एक चुनिए, 6 यहां पे, 4 3 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 4 64 दबाइए, 64 प्लस का बटन दबाइए, प्लस, वेट, अब आपके पास 2 और 2 ऑप्शन, तो 2 और 2 में तो मैंने आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन दे दिए, यू नो, तो आपको 2 ही लेना पड़ेगा, राइट, 2 लेकिन यहां पे आपका 1 भी है 3 भी है, क्या लेंगे, 3 23 दबाइए, 23 अगेन प्लस का बटन, और फिर लास्ट में हमारे पास बचा 21 करिए, 21 इक्वल्स टू बटन, व्हाट इज द टोटल वी हैव गॉट, इट्स 154 आप देख सकते हैं, 154 का टोटल है, 4 सो द टोटल हैज बीन क्रिएटेड इज 154 randomly 4 digit numbers, randomly 4 digit numbers created by you, then you created 2 digit numbers created by you, right, during the entire process, right, मैंने कभी आपको कोई force किया नहीं, influence किया नहीं, हमने number क्या चुना, 154 मेरे cue card अभी भी खत्म नहीं हुए, but Rahul समय खत्म हो रहा है हमारे पास, क्योंकि
हम समय को नहीं रोक सकते हैं तो फिर फटाफट देखते हैं जी। तो हमारे पास देखें अगला क्या है, यहाँ पे आप देखिए, तो अगला है वन, तो मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूं, नंबर वन, वन राइट, 154, तो देखिए 1 5, क्या बात है, बहुत अमेजिंग, 4 एंड नाउ इट सेज थैंक यू राइट, बट अपलव, मेरी हमेशा एक आदत है किकर एंडिंग देने की। आपने एक पर्ची चुनी थी याद है, राइट, रैंडमली जो फेंका था वो चुनी थी, देखते हैं इसमें इस पर्ची में क्या है, इसे मैं निकालता हूं, इस पर्ची में देखिए क्या लिखा है, फटाफट से हम देख लेते हैं, इस पर्ची में भी 154 लिखा हुआ है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, तो थैंक यू सो मच राहुल इतना अमेजिंग शो करने के लिए, थैंक यू सो मच इतने बढ़िया मैजिक दिखाने के लिए, मैथ्स एंड बियॉन्ड दिखाने के लिए। वापस से हम आएंगे, देखिए समय हमारे साथ रुकता नहीं है, लेकिन हम वापस आएंगे। युवा तरंग को इसी तरह प्यार देते रहिए, दूरदर्शन देखते रहिए, अपना ख्याल रखें, आसपास में सफाई रखें, मास्क ही पहने रहें और दूरी का ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।